हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी होली की प्रोग्राम चल रहे हैं, आप सभी को भी हमारी तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी के लिए, होली के लिए आजकल सब जगह गाना बजाना वगैरह सब चल रहा है, कीर्तन चल रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में भी एक दो दिन से कीर्तन हो रहे हैं। तो आज किसी के दूसरे के वहाँ पे हैं तो उन्होंने बुलाया है, तो वहाँ पे कीर्तन पे जाना है। अभी कीर्तन करके आएंगे, उसके बाद गुजिया वगैरह भी बनानी है, उसके लिए भी बहुत सारा काम है। तो पहले कीर्तन में होके आते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। तो गुजिया रेडी, गुजिया का सामान पूरा रेडी हो चुका है मेरा। और ये काजू और वो है, और ये नारियल है, बाकी बादाम किशमिश उसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। और किशमिश खोया जो भी है ये कोर के रख दिया है, तैयार करके रख दिया है, आके बनाऊंगी और भून भान के रेडी करूंगी। पहले कीर्तन में होके आते हैं, सभी लोग तैयार हो गए चले जाएंगे, तो अभी पहले कीर्तन में होके आते हैं। चलो आओ कीर्तन मंडली, वो रुके हैं क्या उनको? हाँ, चलो आओ फिर। अच्छा अच्छा तो ये ना, वो पीछे लगाया होगा उन्होंने। और कीर्तन मंडली के यहाँ पे हम पहुँच गए, यहाँ गाने भी शुरू हो गए हैं और शुरू कर दिया इन्होंने। और अभी हम कीर्तन करके आ गए हैं घर पे, तो काफ़ी देर हो गई है, तो मसाला फ्राई करना शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी फ्राई करने में टाइम लगेगा। और सब्जी बना के रख दी है, और साथ साथ मैं फ्राई भी करूँगी और रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि 9:30 हो चुका है, बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा। एक तरफ हिलाते रहूँगी, एक तरफ रोटी बनाते रहूँगी। और बीच में आकाश आ गया थोड़ा मदद करने के लिए, तो मैं रोटी जल्दी बेल ले रही हूँ, इसलिए नहीं तो पूरा ध्यान इधर भी लगाना पड़ रहा है, उधर भी लगाना पड़ रहा है, तो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, रोटियाँ ढंग से जल्दी नहीं बन पा रही है। थोड़ा आकाश मदद कर दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बना ले रही हूँ। और गाइज, अभी बगल वाली सोसाइटी से आ गए हैं हम लोग, और वहाँ पे किसी का फंक्शन था, तो फंक्शन में हम लोग को बुलाया था, तो वहाँ अटेंड करके हम आ गए हैं। तो अभी हम गुजिया की तैयारी करनी है मैंने, मतलब आटा वगैरह गूंथ दिया है, अभी बनानी है होली के लिए। तो अभी ये वाला आटा गूंथ के गोले भी बन चुके हैं, ये वाला बना के रख दिया है, और ये मसाला तैयार है मेरा, अभी भर के रेडी करती हूँ मैं। ये बहुत पसंद होती है बच्चों को ना, तो इसलिए मैंने आटा ये मसाला ज़्यादा बना के रख दिया है। अगर मसाला बच भी जाएगा ना तो बाद में बना दूँगी, अगर इसमें नहीं भी होगा तो दूसरे दिन भी बना सकते हैं, ये मसाला तो ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आटा तो अभी मैंने 1 kg का बना लिया है, जितना होगा होगा, अगर मसाला बच गया तो फिर कल दोबारा से फिर बना लूँगी, अभी जितना होगा उतना बना लेती हूँ। और अभी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो एक आदमी के साथ काम नहीं होता है, इसमें 2-3 आदमी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमने अभी शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर में अभी इसकी चाची भी आ जाएगी, तो तब तक हम जितने बना पाएंगे तब तक बनाते हैं, और उनके भी बना के मदद करके आ गई हैं उनकी।
सब बना के रख के आ गए हैं, तो अभी हम अपना इंजीरा वाला बनाएंगे। अभी और अभी बना के सारा आटा खत्म हो गया है और मसाला आधा से भी ज्यादा बच गया है ये, तो इस मसाले का कल बनाएंगे। जो आज बना दिया है उसको फ्राई करके रख देती हूँ और कल की फिर कल मिलेंगे कल मिलेंगे। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल की वीडियो कल से शुरू करेंगे। तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, नई हो जो पुराने हो तो अनसब्सक्राइब मत कर देना। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये जो बनाई है इसको तल के अच्छे से फ्राई करके अभी रख देती हूँ, रात काफ़ी हो गई है, सारे लोग सो गए हैं, मैं ही अकेली बची हूँ अभी लास्ट में तलने के लिए। तो इनको फ्राई करके रखती हूँ और अब एकदम अच्छी बन रही है, देखने में टेस्टी लग रही है और एकदम फूली फूली सी, मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी बन रखी है। उसका जो खांचा था ना वो बड़ा सा था, तो अच्छी से बनी है ये, बड़े बड़े ये सारे हो गए हैं फ्राई।